बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। मोज़ज़ सामईने गरामी, मेरा नाम है एहसान अहमद हुसैनी और आप देख रहे हैं रिहान स्कूल पॉडकास्ट। आप जानते हैं हम रोज़ाना एक अहम तरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनसे हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिहान स्कूल की एक बहुत ही अहम शख्सियत। आप माहिर नफ्सियात भी हैं और रूहानी उलूम के माहिर भी हैं, मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब जनाब मनोज भाई योगावाला। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते। मनोज साहब जो हैं ये योगा के ट्रेनर हैं और रिहान स्कूल में जो सुबह का आगाज़ होता है वो योगा और मुराकबे से होता है, तो मनोज साहब जो है यहाँ पर खिदमात देते हैं। आज की पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे ये योगा क्या है, कैसे होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और बिलखुसूस जो हमारे जैसे तहकीक के तालिब इल्म हैं उनको योगा करने का क्या फ़ायदा होगा। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको आज के पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त से नवाज़ा। सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले मोज़्ज़ज़ उलमा जो हैं वो आपको जान लें, तो बराहे करम अपना तारुफ़ पेश कीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। तो नाज़रीन, मेरा नाम जो है मनोज तेजा माहेश्वरी है। बेसिकली मेरा नाम मनोज तेजा मेरे फालिस्ता का नाम है और माहेश्वरी मेरी कास्ट है, हिंदुज़म में एक कास्ट है माहेश्वरी। तो ठीक है, ठीक। और मेरा जो ताल्लुक है वो वाबस्ता वो लियारी से है। लियारी यानी कराची का एक इलाका है, लियारी उससे है, वहाँ से है। और साथ साथ मैंने जो अपनी जो तालीम है वो मैंने मास्टर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में की हुई है, माशाल्लाह। और उसी दौरान ही यानी एजुकेशन के दौरान ही मैंने काफ़ी सारे सर्टिफाइड कोर्स भी किए, जैसे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया, ट्रेनिंग कोर्स किया, लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स किया, और उसी और साथ साथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर कोर्स भी किया, जिसमें आपने शायद सुना होगा एक्यूप्रेशर, जी जी, कलर थेरेपी, बिल्कुल बिल्कुल, सीट थेरेपी, जी जी, ठीक है, रेकी हीलिंग, जी जी। तो ये भी चीज़ें मैंने सीखी और उन्हीं दौरान भी मैंने यानी मेडिटेशन भी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था। ठीक। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा रुझान जो है वो योगा की तरफ और ज़्यादा बढ़ता गया। योगा का वैसे रुझान मेरे बचपन से ही था, बिल्कुल बचपन से ही था, लेकिन स्लोली स्लोली फिर बिल्ड होता गया। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, डिफरेंट मैं किताबें पढ़ता था और साथ साथ में टीवी पे प्रोग्राम आता था बाबा रामदेव का, तो वो भी मैंने देखता था। तो देखते देखते मैं प्रैक्टिस भी करता था और करते करते फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें भी सिखाएं आप। मैंने कहा भाई मैं तो सर्टिफाइड हूँ नहीं, मैं कैसे सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप सिखाएं प्लीज़, हमें जितना आता है आप सिखाएं। तो मैंने शुरू किया सिखाना और सिखाते सिखाते फिर रिहान अला वाला से कनेक्शन बनी मेरी वहीं से ही, क्योंकि सर रिहान अला वाला ने कहा था कि अपनी पोस्ट भेजी थी उन्होंने कि मुझे एक योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए तो काइंडली मुझे सजेस्ट करें। तो तकरीबन 6 से 7 लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट किया उनकी पोस्ट पे, माशाल्लाह। तो फिर रिहान अला वाला ने खुद ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर मुझे मैसेज किया कि आप मुझे सिखाएं। तो मैंने कहा सर नो, मैं सिखा नहीं सकता। तो फिर करते करते फिर कनेक्शन अच्छी खासी बन गई, हाय हेलो होती थी। तो फिर सर ने मुझे ऑफ़र दी रिहान अला ने कि आप यहाँ पर आएँ और एज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आप काम करें। तो फिर मैं यहाँ पर आया योगा इंस्ट्रक्टर और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आते ही मैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी बन चुका। वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमने देखा कि अभी आपको जो जो आपके गुरु हैं उनकी जानिब से जो है सर्टिफिकेट मिला है, आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से मेरा जो ये तारुफ था और साथ साथ मैंने मुख्तलिफ अखबारात में और मुख्तलिफ मैगजीन्स में भी मैं लिखता भी था, पब्लिक स्पीकिंग भी की है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी यूथ रेवोल्यूशन के नाम से वो भी मैं चलाता था, और अब जो है अपनी अपने नाम से ही मनोज योगा वाला अकेडमी के नाम से मैं चला रहा हूँ उसी अकेडमी। हाँ माशाल्लाह, तो ये मेरा छोटा सा तारुफ था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मनोज भाई ये बताइएगा कि ये जो योगा है, हम देखते हैं ज़्यादातर ये जो हमारे सनातन धर्म के हजरात हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं, ज़्यादा ये लोग करते हैं। जी जी, तो क्या योगा जो है कोई हिंदू मज़हब की इबादत है? नहीं, योगा बेसिकली जो है ना, असल में बात क्या है,
आप ये कह सकते हो जरूर कि जो योगा के जो फाउंडर हैं वो आप कह सकते हो कि वो सनातन धर्म से हैं, ये आप कह सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन लेकिन अब इसको इबादत कहना तो ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, सही ठीक सही है। वजह इसलिए क्योंकि योगा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि योगा के एक्चुअल मीनिंग क्या है, हकीकी माना क्या है, बिल्कुल ठीक, बहुत अहम बात ठीक आपने। है, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन होती जी है जी जी ये। ऐसा ही है। तो योगा के जो लफ्जी माना है ना, वो एसिकली योगा लफ्ज निकला है संस्कृत अल्फाज युज से, युज से। युज अच्छा युज, जी, ठीक है, जिसके माने है जोड़ना, अच्छा जुड़ना, जुड़ना या ठीक कनेक्ट होना, जी किससे जी मिलना। अभी जो हम बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा, ये भी योगा है एक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक अब कैसे योगा है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। जी, तो पहली पहली बात कि योगा के मायने हैं जुड़ना, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब जुड़ना किससे, अपने आप से जुड़ना और अपने खालिक के कायनात से जुड़ना, वाह बहुत ठीक खूबसूरत तारीफ की आपने, है, अपने आप से जुड़ना, लोगों से जुड़ना और खालिक खालिक के के कायनात कायनात से, से वाह जुड़ना, जिसे हायर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जो जो मेटाफिजिक्स वाले हैं वो उसे ठीक। हायर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, ठीक है। और तो इसके चार चार टाइप्स हैं, फोर टाइप्स हैं योगा के, चार इकसाम हैं योगा की। ठीक, सबसे पहली जो इकसाम है वो कहलाती है कर्म योगा, कर्म योग, कर्म जैसे ना ठीक अच्छे काम करो, कर्म मतलब आमाल आपके, एक्शन ठीक ठीक आपके। सही तो सही अगर आपके अच्छे ये तो बातें हैं कि अच्छे आमाल होंगे तो जी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बुरे जी आमाल करें जी तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। अब कर्म योगा का मतलब क्या है, कर्म मीन्स एक्शन, कोई अमल करना, ठीक है। सही अब मैंने अब आपने अक्सर सुना होगा ना लोगों से कि मैं इबादत पे भरोसा नहीं करता, मैं बस इंसानियत की खिदमत पे भरोसा करता हूँ, और इंसानियत की खिदमत ही बड़ी इबादत है, आपने सुना जी होगा ये। जी 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 तो ये लोग कहलाते हैं कर्म योगी, ठीक, योगा की यानी जुबान में। योगा की जुबान में, यानी जो अच्छा सोशल वर्कर हैं, जो इंसान की खिदमत करते हैं और इंसान के अंदर उस कॉन्शियसनेस को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को देखते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक, वो कहलाते हैं कर्म योगी। और ये कहलाते हैं कर्म योगा, यानी कर्म करके किसी इंसान के साथ कनेक्ट हो गए, वाह वाह यानी क्या जुड़ खूबसूरत गए। जी, क्या तो खूबसूरत योगा का बात, मतलब है जुड़ना, तो बिल्कुल कर्म ठीक योगा का मतलब है किसी एक्शन के जरिए किसी इंसान से जुड़ना और उस खालिक की कायनात से जुड़ना, बिल्कुल ठीक ठीक। सही। सेकंड सेकंड कहलाता है ज्ञान योगा, ज्ञान कहते हैं इल्म को, ठीक ठीक है, ज्ञान कहते हैं इल्म इल्म को, को, नॉलेज को। सही ये सही अब हमारे पास कितनी सारी इस्लामी किताबें हैं, मुकद्दस किताबें हैं, जी बाइबल हो गई, ठीक जी है, और बाइबल है, तुरात है तौरात जी, है, जबूर है जबूर है, जी, कुरान है, कुरान है हमारे यहाँ पर महाभारत, रामायण, जी गौतम बुद्ध की धम्मपद, जी जी और सिखिज्म की जो गुरु ग्रंथ साहिब, तो जी ये जी सारी मुकद्दस किताबें हैं। बिल्कुल ऐसा तो है जितने भी मजहब के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस मुकद्दस किताब को पढ़ के उस कॉन्शियसनेस को जानने की कोशिश करते हैं और उनसे जुड़ते हैं और बिल्कुल लोगों को भी तबलीग करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो आप कह सकते हैं जो मुफ्ती हजरत हैं वो हैं ज्ञान योगी, ठीक ज्ञान योगी, वाह वाह क्या है। बात तो अब इसमें मजहब की क्या बात आई, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक, यानी बिल्कुल तो ठीक अब क्या वो भी कहला गए, वो भी योगी कहला गए थे, लेकिन कौन सही, से योगी, ज्ञान ज्ञान योगी योगी, ठीक सही है, सही, यानी ज्ञान के जरिए, इल्म के जरिए वो जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, सही हो गया, ठीक सही है। थर्ड जिसको कहते हैं भक्ति योगा, भक्ति भक्ति, मतलब इबादत, सही इबादत या पूजा या मोहब्बत, सही सही ठीक है। बिल्कुल ऐसा है, अब इबादत के जरिए हम नमाज पढ़ते, यानी नमाज पढ़ना, ठीक है, हम पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग चर्च जाते हैं, तो ये कहलाते हैं भक्ति योगा, ठीक सही है। तो सही जो इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, वो भी भक्ति योगी कहलाता है, बिल्कुल ठीक, ठीक बिल्कुल है। ठीक सही तो बिल्कुल जो नमाज पढ़ता है, जो चर्च जाता है, जो गुरुद्वारे जाता है, इबादत करता है, तो वो भक्ति भक्ति योगा में योगी शुमार होता है। और सही आखिरी योगा जो मेरा फेवरेट योगा है सबसे ज़्यादा, फेवरेट तो मेरे चारों है, ठीक जी है, क्यों हर इंसान करता रहता है, जी आखिरी योगा है जिसको कहते हैं राजयोग, और अष्टांग योग भी कहते हैं, सही ठीक है। राजयोग, राज मतलब किंग, बादशाह, सही ठीक है, जिसमें आता है मुराकबा भी इसमें आपका, सही ठीक है। सही
तो चौथा है राजयोग, जिसको हठ योग भी कहते हैं और अष्टांग योग भी कहते हैं। सही। ठीक, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं अलग अलग। ठीक, जी तो इसमें क्या होता है, इसमें इंसान जो है फिजिकल एक्सरसाइज करता है, यानी मशक करता है, जिस्मानी मशक करता है, सही सांसों की मशक करता है, और आखिरी में बैठ के ध्यान या मुराकबा करता है, और मुराकबे जरिए उस हायर कॉन्शियसनेस तक हो जुड़ता है। हो बिल्कुल ठीक, ठीक तो बिल्कुल ठीक ये हकीकी जो योगा है ना, योगा जो राजयोग, वो राजयोग कहलाते हैं जब आप आंखें बंद करके उस स्टेट तक पहुंच गए, यानी उसको जान लिया। जो एक कहावत है ना, कि कहावत नहीं बल्कि आई थिंक वो हदीस भी है शायद, कि जिसने अपनी नफ्स को जाना जी उसने अपने जी रब को बिल्कुल जाना। सही रीज है मुबारक का ठीक है, बिल्कुल ऐसा तो मुराकबे के जरिए इंसान ना सिर्फ अपने आप को जानता है बल्कि अपने रब को भी जानता है पहचानता है। तो बिल्कुल ये चौथा स्टेप है। अब मुझे आप बताएं, बहुत ये तो हर इंसान, चाहे बिल्कुल किसी भी बिल्कुल मजहब बिल्कुल का ऐसा है कोई भी बिल्कुल ऐसा शख्स है हो, वो जी ये चारों चीजें करता रहता है। कर्म जी योगा भी कर रहा है, बिल्कुल ऐसा है ज्ञान भी सीख रहा है, बिल्कुल ऐसा है साथ साथ भक्ति भी यानी इबादत भी कर रहा बिल्कुल है, ऐसा है और साथ बिल्कुल ऐसा साथ अपने आप को भी पहचान रहा बहुत है। बहुत बहुत खूबसूरत तशरीह आपने की मोजज़ नाज़रीन। मनोज साहब ने इंतहाई अहम तरीन हमें योगा की तारीफ़ और इसके कुछ स्टेप्स बता दिए। यही यकीनन इस्लाम में है। हम जितने मुसलमान हैं अल्लाह ताला से चार तरीक़ों से जुड़ते हैं। तो इन्होंने बताया कि योगा में भी योगा का मतलब जुड़ना है और चार तरीक़ों से अल्लाह ताला से जोड़ा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करके, जी दूसरे नंबर पे इल्म के ज़रिए, तीसरे नंबर पे इबादत के ज़रिए, और चौथे नंबर पे रूहानियत मुराकबे के ज़रिए। यही चीज़ें जो हैं इन्हीं तरीक़ों से हम यकीनन अल्लाह ताला से जुड़ते हैं। तो ये बड़ी अहम हुकुकुल इबाद भी कहते हैं। जी हुकुकुल इबाद हुकुक भी कहते एक हैं। हुकुक अल्लाह है और जी हुकुक इबाद है, जी हुकुल और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत हुकुक इबाद को ही दी ऐसे गई ही है। ऐसे ही बिल्कुल बेहतरीन बहुत खूबसूरत बात आपने की। अच्छा यहाँ पे आप बताइएगा मनोज भाई कि आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप जो है तसव्वुफ भी पढ़े हुए हैं। तसव्वुफ नाज़रीन कहा जाता है जो मुसलमानों का रूहानी इल्म है उसको। मुझे अब ये बताइए कि हमारे यहाँ जो तसव्वुफ है अल्लाह ताला से जुड़ने का जो रूहानी इल्म है उसमें कुछ मनाजिल होती हैं, कुछ उसके स्टेप हैं जिनको हम तसव्वुफ की ज़ुबान में शकरा कहते हैं और लताइफ कहते हैं। लताइफ ठीक है, लताइफ कहते लताइफ हैं। ठीक है हमारे यहाँ जो इस्लामी तसव्वुफ है उसके सात लताइफ हैं, यानी ये जी, सात स्टेप सात हैं। स्टेप्स हैं तो इस बिल्कुल। तरह जो योगा इसका जो आखिरी मेडिटेशन योग हाँ है उसके भी कुछ लताइफ हैं, उसके भी कुछ मनाजिल हैं। बिल्कुल, जैसे सूफीज़म में और तसव्वुफ़ के ज़बान में लताइफ कहते हैं, तो जी हमारी ज़बान में कहते हैं चक्रा। चक्रा ठीक है चक्रा कहते हैं एक व्हील को। बिल्कुल ठीक ऐसा है, है चक्रा कहते हैं व्हील को, जी जी और वो हमारी बॉडी में, वो भी सात है, हमारी बॉडी में। सात है, अच्छा जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड आती है, जो आपकी जो पूरी रीढ़ की हड्डी है। जी माना जाता है कि हमारे जो जो टेल बोन है, यानी बिल्कुल जो स्टार्ट जो है वहाँ से शुरू होती है और हमारे सर तक जाती है, उसमें सात स्टेप्स हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, है एक टेल बोन में जाती है, एक नाभि के नीचे से, दूसरा जी नाभि के नीचे है, दूसरा नाभि के ऊपर है, तीसरा जो है वो हार्ट के पास है, जी चौथा जो है जी शहर के करीब यहाँ पर है, तीसरा जो है यहाँ पर, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं। ठीक है, इसको ठीक आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और चौथा जो है सहस्रार चक्र, जो लास्ट चक्र है। सही अगर सही कोई इस स्टेप को, इन चार चक्रों को पार कर लेता है, तो वो समाधि में पहुंच जाता है, यानी हाईएस्ट स्टेट में पहुंच जाता है वो। सही यानी कि ये आपकी भी जो मनाजिल हैं वो साथ ही हैं, साथ ही साथ बिल्कुल। ही हैं बिल्कुल लेकिन ठीक तसव्वुफ़ में आपने देखा होगा कुछ जी थोड़ा, तीन यहाँ पर, दो यहाँ पर हैं, एक आजू बाजू भी हैं थोड़े। जी ठीक है, अलग अलग जगहों पर जी भी हैं, जी लेकिन जी चीज़ें एक ही हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा मनोज भाई अभी मुझे ये बताइए कि एक इंसान जो है आपके जो तजर्बे की बुनियाद पे आप क्या कहेंगे कि एक इंसान को रोज़ाना कितने मिनट लाजमी योगा करनी चाहिए? देखें, कितने मिनट तो मैं बात नहीं करता। ठीक है, अगर कोई इंसान योगा नहीं करता तो मैं उनको कहता हूँ, कम से कम आप अपनी ज़िंदगी के, जो ना ज़िंदगी के 5 से 10 मिनट भी निकालें ज़रूर, रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 10 मिनट। ठीक है, अगर नहीं ठीक कर पाते तो 5 मिनट ज़रूर निकालें अपने लिए, क्योंकि इंसान जो ना, इंसान वो एक कहा अरस्तू ने कहा कि सामाजिक जानवर है। ठीक है, एक यहाँ वहाँ भागना, रिश्तेदारों को जी देखना, वो करना, जी लेकिन इंसान जो है अपने आप से कभी नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे और है
मैंने वही बात की ना, जी जो अपनी नफ्स को, जिसने अपनी नफ्स को जी जाना जी उसने हदीस से अपने मुबारक है ये। रब को जाना, जी तो अपने आप को कोई पहचानने में नहीं लगा हुआ। तो मैं कहता हूँ कम से कम 5 मिनट तो निकाले। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो स्वामी विवेकानंद की कोटेशन है बहुत अच्छी, वो कहता है कि आप जो है ना अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लेकिन कभी कभी अपने आप से मिलो। अगर अपने आप से नहीं मिलोगे, आप एक अच्छे जेंटलमैन को खो दोगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आप बता रहे हैं कि कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पे 5 मिनट हमें ज़रूर, हाँ, यही जो हमारे रूहानी उलूम के माहिर हैं लोग, जिनको हम मुसलमानों में सूफिया कहा सूफिया। जाता है, वो भी बिल्कुल यही कहते हैं कि रोज़ाना कम से कम 5 से 10 मिनट मुराकबा ज़रूर करें। बिल्कुल, अच्छा आप क्या कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो 5 मिनट का हम योग करें, वो क्या करें, कैसे करें? उसमें आप सबसे जो बेसिक जो है ना, जो बुनियादी जो जो मुराकबा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं जिसको, जी जी, तो वो आप सिंपली आप बैठ के अपनी आती जाती जो सांसें हैं जी उन पे फोकस करें। ये बिल्कुल ठीक, आप आराम से बैठे, चाहे कुर्सी पे बैठे या ज़मीन पे आलती पालती जो मार के जी वो आप बैठें, जैसे सुखासन भी कहते जी हैं, जी जी आप बैठ के आंखें बंद करके अपनी जो सांसें हैं, आती जाती सांसें, जी जी उन पे आप फोकस करें। ठीक, उन पे जब आप फोकस करेंगे तो आप क्या होगा, एक स्टेट ऐसा आएगा कि जो ख्याल आते हैं जी आपके, वो ख्याल सडनली गायब हो जाएंगे। सडनली वजह, क्योंकि जब आपने देखा होगा और आप हैरान रहेंगे कि जब मैं साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर एक शख्स आया, तो काफ़ी स्ट्रेस में था, परेशान था बहुत ज़्यादा। अब मैं नया 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 मैं ज्वाइंट हुआ था वहाँ पर, इंटर्नशिप करने के लिए गया था, तो वहाँ पर जो मेरे सुपरवाइज़र थे उन्हें बिठा के बिठाया उन्हें और कहा कि मेडिटेशन करें, अच्छा जी, मेडिटेशन करें और आंखें बंद करके अपनी सांसों पे फोकस करें। तो मैंने, मुझे तो पता था कि इससे फ़ायदा क्या है, फिर भी मैंने पूछा कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या आप क्या कर रहे हैं, क्रेजी तो फ़ायदा होता है। अगर आप एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जी ठीक है, एमरजेंसी है, तो आप आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों पे, यानी गहरी सांस लें, जी एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ते आहिस्ते मुंह से खारिज की, एक गहरी सही सांस है, ली और आहिस्ते आंखें बंद आहिस्ते। करके। अच्छा हाँ ये हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं बिल्कुल, कहीं जी? पे भी बैठ के कर सकते हैं, इसमें इसमें कोई मतलब वो नहीं है, चाहे आप किसी भी जगह पे हो, चाहे रोड पे भी क्यों ना हो, सही, यानी जहाँ पे जो चाहे एमरजेंसी हम, तो कहीं भी हो सकती है ना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक, सही हो गया। मोजेज़ नाज़रीन, इन्होंने बड़ी अहम बात जो है बताई कि रोज़ाना 5 मिनट जो है आप ख्याल और सांस के पर तवज्जो दें, जिसको मुराकबा कहा जाता है। हमारे तसव्वुफ़ के जितने भी सिलसिले हैं उन सब में हमारे सूफिया भी यही कहते हैं कि रोज़ाना मुराकबा करें, और मुराकबा जो है ये ख्याल और सांस की एक मशक है। ख्याल और सांस पे हमारे तसव्वुफ़ में जो बहुत ज़्यादा सिलसिला तवज्जो देता है वो सिलसिला उवैसिया के लोग हैं। इस तरह हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब, वो अपने तमाम तर मुरीदीन को, सालिकीन को ख्याल और सांस की बहुत ज़्यादा मशक करवाते हैं। तो ये बड़ी आपने मैं अहम भी बात जाता बताई। था ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी, यहाँ पर ये जी, अजीम कलंदर अहमद शेरू खान, अकेडमी थी वहाँ अज़ीमिया, मैं भी वहाँ पर जाया करता था, तो वहाँ पर भी जो आप कह रहे हैं जी, वो यही प्रैक्टिस करवाया ख्याल और जाता, सांस की, ख्याल ख्याल सांस की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मनोज भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, जी आप हमें ये बताइए कि एक तालब इल्म, यानी हम सब तालब इल्म हैं, मैं भी तालब इल्म हूँ, हम अगर योगा को मुस्तकिल वक्त दें, हमें क्या फ़ायदे होंगे? योगा का अगर मुस्तकिल वक्त देंगे ना आप, तो आपके 4 फायदे होंगे। किसी भी एक्सरसाइज हो, अमूमन लोग आजकल योगा को एक्सरसाइज माना जाता है, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ये ही, एक्सरसाइज भी है, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो योगा थेरेपी के नाम से इसको प्रैक्टिस करते हैं। सही, यानी ठीक कि एक है, वर्जिश है वर्जिश ही है एक जी। किस्म से, तो अगर आप वर्जिश की नज़र से देखते हैं ना, तो उसमें भी फायदे होते हैं। 3 फायदे तो होते हैं। पहला फायदा, आप जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त होते हैं, एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, बिना थके 24 घंटे आप काम कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा है, बिल्कुल ये इसकी ऐसा मिसाल मैं हूँ, सुबह को मैं 1.5 घंटे का सफ़र है करके जी, फिर यहाँ पर आते ही डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस करवाने शुरू कर देता हूँ, 1 से सही है। 1.5 घंटा।
ये मैंने भी आपके साथ जो पिछले 10 दिन से मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये मैंने देखा है वाकयातन, जिस दिन सुबह सुबह हम उठने के बाद योगा कर लेते हैं, पूरा दिन थकावट का एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल, एग्जैक्टली एक फ़ायदा तो ये हो गया। एक फायदा होगा। जी सेकंड फायदा ये कि जब आप सांसों की मशकें करते हैं तो आपके जो अंदर जो इमोशंस होते हैं ना वो कंट्रोल में आना शुरू जाते हैं। यानी गुस्सा हो गया, ठीक है, गुस्सा हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू जाती है। और जब इमोशन कंट्रोल में, तो आपका माइंड भी कंट्रोल कंट्रोल में, में आ गया। बिल्कुल तीन ऐसा फायदे हो गए, फिजिकली, सही। इमोशनली एंड मेंटली। और जब आप ये तीनों चीज़ें अटेंड कर देते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल भी आप बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली रूहानी तौर भी बहुत बेहतर। स्पिरिचुअल बनने जी के लिए, यानी एक रूहानी रूहानी पेशवा बनने के लिए क्या ज़रूरी जी है कि बिल्कुल आप जिस्मानी रूहानी तौर पर ठीक कोमल। हो, जी जहनी तौर पे आप पुरसकून हो, और बिल्कुल, जज्बाती तौर पे पुरसकून हो, बहुत तो आप बन बेहतरीन, गए बहुत रूहानी बेहतरीन, पेशवा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा, मुझे आखिरी बात ये बताइएगा मनोज भाई, हमारे कुछ लोग बेचारे, जो आपने एंजाइटी की बात की तो सवाल मेरे जहन में आ गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कारोबारी तनाव में हैं, ख़ानदानी तनाव में हैं, रिश्तेदारियों की वजह से जहनी तनाव में हैं, और शदीद तरीन परेशान हाल हैं, और यहाँ तक कि उनको सोने के लिए नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। ऐसे अफराद कौन सी योगा करें कि वो रात को पुरसकून होकर सो जाएं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यार योगा रात के वक्त हो सकती है? एग्जैक्टली रात के सोने से पहले भी हो सकती है। ठीक बिल्कुल ठीक। है, कौन सी योगा करें जिससे वो? उनसे जो है वही मैंने अभी जो मैंने आपको बताया ना, कि मैंने आपको बताया कि केस बताया आपको कि जी। आप के एक क्लाइंट आया, क्लाइंट को डायरेक्ट जो है उन्होंने प्रैक्टिस कराई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बिल्कुल तो ठीक। वो जब अपने ब्रीदिंग क्यों, जब क्योंकि जब आप एंग्जाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो सांस है ना फूलना शुरू हो जाएगी। आपकी सांस की रफ्तार जो है ना, या तो बिल्कुल धीमी हो जाएगी या बिल्कुल तेज होना शुरू होगी, और आपकी जो हार्ट पंपिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी। तो जी जब आप रिलैक्स होके अपनी अपना फोकस अपने सांसों पे लगाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो पूरा फोकस है कहाँ पर आ गया, सांस पर आ गया। सांस पे आ गया। जब सांस आपने धीमी ली, तो आपके हार्ट भी पंप ऐसे ऐसे जी, ठीक होना शुरू शुरू होते हो गया। जाएगा। और जब हार्ट ठीक होना शुरू हो, आपके ख्यालात भी ऐसे ऐसे ठहराव, बिल्कुल यानी आपके जो रवानी हो ख्यालात में जाएगी। जो ठहराव आना शुरू हो जाएंगे। जी। तो ये प्रैक्टिस करें, और मैं कहता हूँ जिसको एंग्जाइटी है भी नहीं वो भी प्रैक्टिस करें, लाजमी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, लाजमी। बिल्कुल ठीक। हम अमूमन हमारे जो जो सिलसिले वाले होते हैं, या कोई जो बैत होते हैं, या गुरु वाले, जैसे मैं गुरु हूँ, तो वो कम से कम 20 मिनट की या 15 मिनट की मेडिटेशन कहते हैं। ठीक, ये रोजाना। सुबह को और शाम को 20 मिनट की, बीस सही, बीस मिनट की वो कहते हैं कि आप सुबह को करें 20 मिनट की और रात को 20 मिनट की करें। जज़ाकअल्लाह खैर मनोज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से नवाज़ा, और थैंक बहुत सारी मुफीद बातें जो हैं वो योगा के हवाले से हमें बताई। इंशाल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम इस पर करना चाहेंगे कि ये जो आपके पास कलर थेरेपी का इलम है, यानी रंगों के ज़रिए वर्जिश करने का जो इलम आपके पास है, और बिलखुसूस जितने भी उलूम रूहानियत के हवाले से आप जानते हैं, मैं ये चाहूँगा कि हमारे नौजवान जो हैं, बिलखुसूस हमारे उलमा जो हैं, वो यहाँ इसको पर जाने। मैं जी करेक्ट कर लूँ कि कलर थेरेपी रूहानी के वाले से वो हैं तो सही, लेकिन कलर थेरेपी वो एक है सुजोक थेरेपी जिसको कहते हैं। ठीक, उस सुजोक थेरेपी के अंदर कलर थेरेपी आती है, जो मार्कर्स यानी हाथ पे, जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, तो जी हाथ पे रंग लगाते हैं वहाँ पर। अच्छा, हाँ चलें ये भी इंशाल्लाह इस पे हम एक मुस्तकिल प्रोग्राम आपके साथ करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आइए। मोजस। नाज़रीन, आज की नशिस्त हमारी इंतहाई अहम नशिस्त थी, जिसमें आपने ये जाना, मनोज भाई से हमने ये सीखा कि इस्लाम के जो रूहानी सिलसिले हैं, इस्लाम में जो रूहानी मनाजिल तय करने का तरीक़ाकार है, सेम वही योगा में भी है। दूसरा, आज की नशिस्त में हमें मनोज भाई से ये सीखने को मिला कि योगा एक वर्जिश है, एक थेरेपी है, इसका किसी भी मज़हब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात ये कही कि योगा का मानी है जुड़ना, अल्लाह ताला से जुड़ना, और हम अल्लाह ताला से जुड़ने के जितने भी तरीके हैं वो तमाम के तमाम को योगा कहा जाता है। तो आज की नशिस्त की जो अहम तरीन बातें हैं यकीनन आपने सुन ली हैं, तो इसमें कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर भी ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मनोज भाई की आईडी भी दे रहा हूँ, आपका कोई भी सवाल योगा के हवाले से हो तो आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मुझे, मनोज भाई को, रेहान स्कूल पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।